अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम गरीब बलूचिस्तान गाइडर मेरा जो यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा जो ट्रिप है वो वर्ल्ड 27 हाईएस्ट माउंटेन राकापोशी के बेस कैंप तक विद बाइक्स के साथ सईद अब्बास के साथ। तो हम नीचे से आए हैं तकरीबन वहाँ से, तो रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हमारा बाइक नहीं चल सका। हमने बहुत कोशिश की तो हम बेस कैंप तक लेके जाएं, लेकिन डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस, यहाँ से हम आपके नहीं ले जा सकते, इसलिए हम बाइक यहाँ रखेंगे। उसके बाद हमारे साथ हमारा एक ही दोस्त है, देख लो मीन अली मदद भी हमारे साथ अपने बाइक को भी लेके यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर रास्ता मतलब चल ही नहीं सकता बाइक। कुछ दोस्त देखे नीचे वो आ रहे हैं, तो अभी हम बहुत ही करीब जाने वाले हैं आपको राकापोशी के बेस कैंप तक, वहाँ से आके आपको मैं और कवरेज करूँगा। सो लेट्स सी फर्दर। हमारा बहुत ही वाट लग गया ऊपर आते आते, स्पेशल मेरे बाइक का तो बड़ा खर्चा किया हुआ था, साफ सुथरे से रखा हुआ था, आज उसकी ऐसी वाट लग गई है राकापोशी के बेस कैंप तक पहुंचाने में। लेकिन वहां तक तो हम नहीं ला सके, पीछे ही रखा हुआ है। तो सही लगा पीछे उतरता हुआ पैदल आ गया जलील होके। तो सो रास्ता हमारा काफ़ी दूर है, लेकिन वी भी बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग है, जाना पड़ेगा। आज मौसम भी बड़ा फिट है, अच्छा मतलब इट कुड भी पॉसिबल कि वहाँ पर एवलांच का भी पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि इस टाइम धूप पड़ रही है ना, पड़ रही है तो ऊपर से ग्लेशियर टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन अबे यार जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर बेस कैंप राकापोशी का, भाई कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम, धूप ऊपर पड़ रही है तो शाइनिंग उसका आउटस्टैंडिंग हो रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पर थोड़ी ग्रीनरी भी है और यहाँ पर कुछ शेल्टर्स भी आपको नजर आएंगे, जो कि यहाँ के लोगों ने बैल क्या कहते हैं बकरियों के लिए, गाय वगैरह के लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट है और मौसम भी बड़ा एंजॉय है, फिट है, शाइनिंग है एवरीवेयर। तो सो आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम राकापोशी। तो हम इसके और करीब जाएंगे, इससे पहले मैं पहले इसी के थोड़ी आपको कवरेज करके दिखाऊँ। थैंक यू। एक्चुअली मैंने कुछ ड्रेसिंग भी इस तरह का नहीं बनाया हुआ कि मैं क्लाइंबिंग के लिए मैं इस तरह का ड्रेसिंग करूं। मैं हम आए थे रैंडम घूमने, हमने बाइक सुकर घुमा ली है, अब पहुंचते हैं क्या होता है। पानी बहुत ठंडा है यार यहाँ का, तो देख लूँ कहीं सतपारा ना बन जाऊँ मैं। सो माई व्यूअर्स, सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ राकापोशी बेस कैंप। यहाँ से आगे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो पानी का झरने मिलेंगे, उसके बाद हम फुल्ली बेस कैंप पे हैं। यहाँ से आगे कभी खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज वेदर बहुत क्लियर और गर्म है, जिसकी वजह से एवलांच टूटने का खतरा यहाँ पर 98% रहता है। सो मैं फिर भी ट्राई करूँगा, आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज एंड नीड अ ब्यूटिफुल सीनरी, सो दैट्स वाई मैं करीब जाने की कोशिश करूंगा।
तो बाइक जहाँ पर हमने छोड़े वहाँ से यहाँ का जो रास्ता है वो तकरीबन कोई 50-30 मिनट का रास्ता है एज अ वॉकिंग डिस्टेंस। और बंदा भी फिट हो तो फिर इतना वॉकिंग डिस्टेंस ना, वरना हमारे साथ पीछे कुछ दोस्त थे बाइक्स पे, जैसे कि आपने देखा शुरू में, तो वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सके, पता नहीं कहाँ रह गए पीछे। तो हम अभी करीब पहुँचे हैं, तो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव एंड आउटस्टैंडिंग नज़ारा इस टाइम मैं देख रहा हूँ। तो कम ऑन लेट्स गो। सीन ये है कि नाज़रीन, अभी जो रास्ता ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ऊपर से पानी भी आ रहा है, तो ये फिसलन भरा हुआ है, सही है। तो हम एग्जैक्ट बेस पॉइंट बेस कैंप है, मैं वहां जाकर हाथ मुंह धोता हूँ यार, थोपड़ा जरा धो लूं। भाई प्योर फ्रेशर का पानी है, आउटस्टैंडिंग। ये हमारे पास जूस है, कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहाँ पर हमको एंजॉय करके वापस आएंगे। बार बार हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से एक लंबा झरने है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आ Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. पानी है ऊपर से, बहुत जरूरी झरने आप
पीछे के पहाड़ नजर आ रहे हैं और मैं यहाँ पर तकरीबन जो बाइक पर आते हैं वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 30-40 मिनट वाली डिस्टेंस है यहाँ पर तक है। लेकिन आज अच्छे मौसम साफ है, इसलिए मौसम कहते हैं अदरवाइज यहाँ पर मौसम खराब होता है, अक्सर यहाँ पर मौसम खराब होता है। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत चलती है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि हम बेस कैंप पे पहुँचे, हम इतने करीब पहुँचे कि हम ऊपर का नज़ारा में नज़र नहीं आता, तो हम यहाँ पर बस थोड़ा वेट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद वी विल गो बैक। तो कैसा लगा आपको मेरी जो वीडियो थी, ये काफ़ी मुशक्क़त भरी, तो यार आज मौसम बड़े मज़े का है और मैं आपको अपना पूरा दिखाऊँ। ये पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये हुंजा का पहाड़ है और हम तकरीबन वहाँ से आए हैं वो एरिया के कैच है नीचे, तो हमारी बाइक के काफ़ी नीचे है, दूर है। और यहाँ पर ना मज़े का सीन है कि झरने बहुत है। अच्छा मैं डेंजरस झरने जो भी मैंने भी आपको दिखाया था वो मैं दिखाता हूँ, ये देखो बड़े ख़तरनाक है लेकिन दिखने में बड़े अच्छे हैं। सो राकापोशी नज़र नहीं आ रहा ऊपर, हम ज़्यादा नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर कभी भी एवलांच टूटने का खतरा रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। You look like a beautiful nightmare. ये है निम्को और ये है मैंगो। ये है सईद अब्बास मेरा कैमरामैन, इसने बहुत बड़ी कवरेज की है। Don't judge me. I just wish he knew. That's just like me.